यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मनाली से सेक्स रैकेट के चंगुल से बाहर निकली नाबालिग के मामले में अब एक और नया मोड़ सामने आया है और नाबालिग को उसकी ही मां ने देह व्यापार के धंधों में धकेला था और उसके बाद मां आरोपियों से 40,000 रुपये प्रतिमाह ले रही थी। और कुल्लू के एसपी कुल्लू शालिनी ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया है। वहीं पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपियों के साथ नाबालिगों की मां को प्रतिमाह रुपये देने की बात कबूली है और आरोपी ने बताया कि कभी वह 40,000 और इससे कम रुपए मां को कैश देता था। उन्होंने बताया कि नाबालिग की मां सहित अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मनाली में कुछ दिन पहले जो सेक्स रैकेट बस्ट हुआ था उसके लिंक्स दिल्ली से हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तो कुछ पाए गए, तो उसमें दो जो मेन प्राइम एक्यूज थे, जो पार्टनर्स थे जो लड़कियों को यहाँ लाते थे, उनको तो पुलिस ऑलरेडी कल अरेस्ट कर चुकी है। साथ ही में जो विक्टिम है जिसको रेस्क्यू किया गया उसकी मदर की भी इन्फॉर्मेशन ये थी कि उन्होंने 40,000 रुपये पर महीना फिक्स करके जो पिम्प है उसको अपनी बेटी को दिया था, तो उसकी मदर को भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उनका रोल, तो उनकी भी जल्द हम गिरफ्तारी इस केस में करने वाले हैं।